हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रू पावर की लिथियम आयन बैटरी पैक के बारे में, जो कि पापा सीरीज की बैटरी है। और कंपनी का कहना है दोस्तों, इसको इतना रफ एंड टफ क्वालिटी से बैटरी को बनाया गया है जो कि कभी ख़राब नहीं हो सकती है। और इसमें दोस्तों ये जो वायर सॉकेट में दिया गया है, ये सिलिकॉन वायर है जो कि सिल्वर कोटेड रहता है। इसको काटने से ये कटता नहीं है, जलाने से जलता नहीं है, और खींचने से ये टूटता नहीं है। काफ़ी मजबूत वायर इसमें डाला हुआ है। साथ ही में दोस्तों बैटरी की ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही मजबूत और शानदार कंपनी ने दी हुई है। कंपनी का कहना यह है कि 2 साल की आपको वारंटी मिलती है। अगर बैटरी 2 साल में ख़राब हो जाती है तो आपको बैटरी के 4 गुने पैसे वापस दिए जाएंगे और एक नया बैटरी पैक दिया जाएगा। और इसमें जो BMS दिया गया है इसके प्रोटेक्शन के लिए, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है जो कि किसी और बैटरी मैन्युफैक्चर के पास नहीं मिलेगा। ये इनका एकदम स्पेशल इंपोर्ट है। और बात की जाए दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी अगर आप शॉर्ट करेंगे तो बैटरी को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि दोस्तों आप बैटरी को हाई वोल्टेज AC करंट जो कि 220 घर में सप्लाई होता है, उसमें भी अगर आप जोड़ देंगे दोस्तों तो आपकी घर की बिजली ही ख़राब हो जाएगी, लेकिन बैटरी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बैटरी को काफ़ी रफ एंड टफ क्वालिटी से बनाया गया है जो कि दोस्तों ट्रू पावर कंपनी की पापा सीरीज़ की बैटरी है। और इसके सामने दूसरी बैटरी वाले बच्चे नज़र आते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके वजन के बारे में, तो वजन काफ़ी हल्का है इस बैटरी का। ये बैटरी जो है वो मेटल बॉडी के साथ है, और मेटल बॉडी के साथ में 48 वोल्ट 24 एम्पीयर की बैटरी का वजन सिर्फ 6 किलो ही आया है, आप देख सकते हैं। और बैटरी जो है दोस्तों वो 100% वाटर प्रूफ है, 101% वाटर प्रूफ है। यहाँ तक कि इसके ऊपर आप प्रेशर वॉशर का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल भी आप बैटरी के ऊपर कर सकते हैं, इस तरह से खोल के उसके सॉकेट को भी गीला कर सकते हैं, और बैटरी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बैटरी जो है दोस्तों वो पापा सीरीज़ की बैटरी है। दूसरे लोग इसके सामने बच्चे नज़र आते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, इस बैटरी की पूरी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये बैटरी कुछ ऐसी है जो कि मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं थी। और इस तरह की का ब्रांडेड और रफ एंड टफ क्वालिटी का मटेरियल ट्रू पावर आपके लिए लेकर आया है। और ये बैटरी दोस्तों मैंने अपनी इसी स्कूटी के लिए परचेस की है। कंपनी ने बोला है अगर आप इसको ख़राब कर देते हो तो 4 गुना पैसा वापस मिलेगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों ख़राब ही कर रहा हूँ इसे। अगर ये ख़राब हो जाती है तो मुझे पैसा वापस मिलेगा, और ख़राब नहीं हुई तो मुझे जो अच्छी बैटरी चाहिए वो मुझे ये मिल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी को पूरी तरह से मैंने पानी में जो है वो भर दिया है। बैटरी ऊपर से भी वाटरप्रूफ है और बैटरी अंदर से भी वाटरप्रूफ है। आप इसकी ऊपर भी पानी डाल सकते हैं और पानी में भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू पावर की पापा सीरीज़ की बैटरी है, बच्चों का ये काम नहीं। अब दोस्तों पानी में डाल के मैंने इसको चालू कर दिया है, आप देख सकते हैं गाड़ी चालू हो गई है, मतलब बैटरी जो है वो पावर अपना दे रही है। और इसके चक्के को मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बैटरी 100% वाटर प्रूफ है, प्रोटेक्शन प्रूफ है, लाइट वेट है, हाई क्वालिटी का वायर डाला हुआ, और बैटरी कंटिन्यू अभी वर्क कर रही है। अगर आप दोस्तों इस बैटरी की कंप्लीट डिटेल चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल 1x1 आराम से वीडियो के अंदर बताई हुई है। तो दोस्तों इस बैटरी को मैंने सीधा कंपनी से ऑर्डर करके मंगाया हुआ है, और इस तरह से मुझे इसका बॉक्स मिला है, और इसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है, आप देख लें। बॉक्स कहीं से भी फटा नहीं है, खुला नहीं है, बड़ी ही सावधानी से मुझे ये मिला है। और ये इसका लेबल है जो कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये दोस्तों मैंने मेरा एड्रेस है जो कि मैंने यहाँ पर पेन से गूद दिया है। और ये दोस्तों 10 kg का पार्सल है जो कि डिलीवरी कोरियर के द्वारा मुझे डिलीवर किया गया है। ये इसका ट्रैकिंग नंबर है। और ये दोस्तों कंपनी की डिटेल है जिससे मैंने इस बैटरी को परचेस किया है, ट्रू पावर इंटरप्राइजेस। इनका एड्रेस है रुद्र कॉलोनी धर्माश्री टिकड्डा, शहर का नाम सागर है, स्टेट मध्य प्रदेश है। मोबाइल नंबर है 9131726246। तो आप इस पर कॉल करके भी बैटरी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप बैटरी ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनको आप कॉल करके बैटरी का ऑर्डर दे सकते हैं। दोस्तों मैंने इनको कॉल करके ही बैटरी का ऑर्डर दिया था, और अगले दिन मुझे बैटरी कोरियर से निकाल दी गई, और 3-4 दिन में मुझे बैटरी मिली है। तो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि बैटरी के साथ मुझे क्या क्या मिला है, कैसी इनकी पैकिंग है, कैसी इनकी परफॉर्मेंस है। तो इस तरह से दोस्तों बॉक्स मिला है जो कि सेफली मिला है, कुछ भी टूटा फूटा ऊपर से नज़र नहीं आता है। ऊपर की तरफ ये सेफ्टी के लिए फॉर्म रखी गई है। और ये रहा दोस्तों कंपनी का विजिटिंग कार्ड, इसको आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इनके एड्रेस पर जाके भी ले सकते हैं, नहीं तो ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं बाय कोरियर। तो ऑल ओवर इंडिया आप जहाँ पर भी हैं कोरियर से अपना बैटरी पैक 48 वोल्ट 60 वोल्ट 72 वोल्ट जितना वोल्ट भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों कंपनी का GST नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। बढ़िया कंपनी है, अच्छा माल देती है। मैंने इनसे पहले भी माल लिया है, और अभी ये नया इनका पापा सीरीज़ का बैटरी आया है तो इसको भी मैंने खरीदा है अपनी स्कूटी के लिए। तो चारों तरफ से फोम लगी हुई है, पैकिंग काफ़ी अच्छी करके दी है। ये दोस्तों जो हमें कनेक्टर आते हैं वो हैं, इसका बैटरी के लिए चार्जर है, ये बिल है, और ये बैटरी बॉक्स है। नीचे की तरफ भी फोम है। तो बॉक्स की पैकिंग कंपनी ने काफ़ी अच्छी करके दी है, कुछ भी टूट फूट ना हो। अब मैं आपको इसका बिल दिखा देता हूँ। तो ये आप दोस्तों बिल देख सकते हैं, पास से दिखा देता हूँ।
तो ये रहा दोस्तों, सबसे पहले आप कंपनी का डिटेल देख लें। कंपनी का नाम है ट्रू पावर एंटरप्राइजेस, और ये नीचे कंपनी का जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, और ये इनका मोबाइल नंबर है। आप इन पे फ़ोन लगा कर भी अपना ऑर्डर दे सकते हैं चाहे तो। और एक और नंबर इनका ये लिखा हुआ है, तो इस पर भी हम फ़ोन लगा के इनको ऑर्डर दे सकते हैं, बैटरी की जानकारी ले सकते हैं। ऑल ओवर इनका डिलीवरी है, ऑल ओवर इंडिया इनकी वारंटी कवरेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 वोल्ट 24 एम्पियर की मैंने लिथियम आयन बैटरी ली है, और इस पर 2 ईयर की वारंटी कंपनी ने बिल पे लिख कर दिया है। और 48 वोल्ट 6 एम्पियर का चार्जर भी लिया है, जो कि 1 ईयर वारंटी के साथ है, जो कि कंपनी ने बिल पे लिख के दिया है। कंपनी जो है वो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करती है। आप चाहे तो 48 वोल्ट में 24 एम्पियर 30 एम्पियर 36 एम्पियर और भी कंपनी के पास जो रेंज रहती है 60 वोल्ट में 72 वोल्ट में, वो आप ले सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत रहे। कंपनी के पास दोस्तों 24 एम्पियर से स्टार्ट होकर बैटरी 200 एम्पियर तक होती है, 48 वोल्ट में 60 वोल्ट में और 72 वोल्ट में। तो ये रहा दोस्तों सामान, जो कि मैं एक एक करके खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसका मटेरियल कैसा है। तो ये दोस्तों कनेक्टर है, जो कि सप्लाई कनेक्टर रहता है जब हम अपनी बैटरी को कहीं कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई में देने के लिए। और एक रहता है चार्जिंग कनेक्टर, जो कि हम अगर बैटरी को गाड़ी से कभी निकालते हैं पोर्टेबल चार्जिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उस टाइम पे हम इसके पोर्टेबल सप्लाई कनेक्टर को या फिर पोर्टेबल चार्जिंग कनेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों इसका चार्जर, जो कि मेड इन इंडिया का चार्जर है, 1 ईयर की वारंटी के साथ, मेटल बॉडी में चार्जिंग का केस हमें मिलता है, मतलब गिरने वगैरह से ख़राब नहीं होगा। ये इसका दोस्तों चार्जिंग कनेक्टर है, और ये इसका पावर सप्लाई कनेक्टर है। इसमें एक हमें फ्यूज मिलता है, ये देखिए लगा हुआ है, और एक फ्रंट की तरफ भी लगा हुआ है। इसमें आउटर फ्यूज मिलता है, मतलब कुछ भी जल जाए अगर तो आपका चार्जर ख़राब ना हो, आपकी बैटरी ख़राब ना हो, सिर्फ आप फ्यूज को बदल के अपना चार्जर फिर से चालू कर सकते हैं। आपको बार बार कंपनी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करती है, साथ में वारंटी कवर ऑल ओवर इंडिया करती है। आप कॉल करके बताएंगे कि कोई दिक्कत है तो आपके घर से ही कोरियर के द्वारा माल को उठा लिया जाएगा और ठीक करके आपके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा। इसमें 2 साल तक जो कस्टमर रहते हैं उनको किसी भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं रहता है, कुछ भी कोरियर का देने का, रिपेयरिंग का ज़रूरत नहीं रहता है। ये कंपनी की पॉलिसी है। और दोस्तों ये ट्रू पावर कंपनी की पापा सीरीज़ की बैटरी है। सबसे पहले आप दोस्तों देख लें ये ब्रांड इनका ट्रू पावर, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, उसको भी आप ध्यान से देखें। इसमें लिखा है ओरिजिनल लिथियम इनसाइड, और ये 48 वोल्ट 24 एम्पियर की बैटरी है। कंपनी का कहना है हम ऐसे ओरिजिनल मटेरियल से बैटरी बना रहे हैं जो कि दूसरी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, इसीलिए उनके जो रेट रहते हैं वो थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करती हैं, सस्ता मटेरियल सस्ते रेट में निकाल देती हैं। ये कंपनी जो है वो पापा सीरीज लेके आई है। कंपनी का कहना यह है कि ये दूसरे जो बैटरी है उसके कंपैरिजन में ये बैटरी बहुत ही अलग है, और इसके सामने दूसरी बैटरी बच्चे नज़र आते हैं, इसलिए कंपनी ने इसका नाम पापा रखा है, पापा सीरीज़। उन्होंने ये चालू की है, जो कि 48, 60 और 72 वोल्ट पे अवेलेबल है। ये इसका दोस्तों कनेक्टर है चार्जिंग करने के लिए। अगर आप पोर्टेबल चार्जिंग करना चाहते हैं, आपने कभी गाड़ी से निकाला हुआ है बैटरी को चेक करने के लिए, तो इस तरह के सॉकेट का आप यूज़ करके उसको कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो आपकी गाड़ी में जो पहले से चार्जिंग का पॉइंट है वहीं से भी आपकी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसमें चार्जिंग का और कनेक्टर चार्जिंग का और सप्लाई का सेम हमें वायर मिलता है, बैटरी में से कॉमन पोर्ट मिलता है। अगर ये दोस्तों चार्जर है इसका, जो कि मैंने साथ में परचेस किया है, आप अकेला चार्जर लेना चाहें या अकेली बैटरी लेना चाहें तो भी आपको मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने इसको चालू किया तो ये पंखा चलना चालू हो गया चार्जर का, और ये जैसे ही मैंने फ्यूज़ निकाला तो ये देखिए लाल हो गया, क्योंकि इसका कट ऑफ हो गया है। कंपनी इसमें आउटर फ्यूज़ देती है, जिस वजह से कुछ भी गड़बड़ हो तो कोई भी इंसान अपना फ्यूज़ बदल के चार्जर को वापस चालू कर ले, वो उसको खोलेगा अगर तो वारंटी अवॉइड हो जाएगी। तो इसलिए कंपनी इसमें फ्यूज़ देती है। और पीछे की तरफ पंखा लगा हुआ है इसकी कूलिंग करने के लिए, ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको पंखे की। तो जैसे ही दोस्तों बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होती है, पंखा चालू हो जाता है, और बैटरी जब फुल हो जाती है तो ये पंखा बंद हो जाता है। ये चार्जर जो है वो मेटल बॉडी के साथ है, गिरने वगैरह से इसको कुछ नहीं होगा, अगर ये दब जाता है तो टूटेगा भी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक नहीं है, मेटल बॉडी के साथ है। और एक्स्ट्रा फ्यूज भी आपको दिया जाता है एक, अगर वो जल जाए तो आप लगा लीजिए, और ये इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं एक इसमें पावर सप्लाई का है और एक इसमें तार चार्जिंग का है, इतना सा ये चार्जर का काम रहता है। तो अब मैं आपको दोस्तों बैटरी के बारे में बता देता हूँ। बैटरी जो है दोस्तों लिथियम आयन बैटरी है, कंपनी के पास लिथियम फॉस्फेट बैटरी भी मिल जाएगी। और बैटरी की क्वालिटी क्या है, किस वजह से मैंने इसको परचेस किया है, वो एक एक करके बताता हूँ। बैटरी जो है दोस्तों वो काफ़ी लाइट वेट है, इसके अंदर ये जो तार निकला है दोस्तों ये सिल्वर कोटेड सिलिकॉन वायर है। सिलिकॉन वायर की खास बात ये रहती है
इसको खींचने से ये खराब नहीं होता है, खींचने से टूटता नहीं है, मोड़ने से ये कटता नहीं और जलाने से ये जलता नहीं है, ऐसा ये वायर रहता है, जो कि दोस्तों डीसी वायर कहलाता है। ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं, जो घर में मोटा वाला एसी वायर होता है, एसी करंट वाला, उसी को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये कंपनी डीसी वायर यूज़ करती है, वो भी सिलिकॉन वाला, जिसको खींचने से तोड़ा ना जा सके, मोड़ने से काटा ना जा सके और जलाने से जलाया ना जा सके, ऐसा कंपनी इसमें सामान देती है। और ये काफ़ी लाइट वेट बैटरी है, इसका वजन देख लेते हैं, ये मेटल बॉडी के साथ है तो मेटल बॉडी का भी वजन होगा, और उसके अंदर के जो मटेरियल है, इसमें सेल्स वगैरह है, उसका भी वजन होगा, वो सब कुछ मिला के सिर्फ 6 किलो के अंदर ये बैटरी बनती है, सब कुछ मिला के 6 किलो के अंदर ये बैटरी है, जो कि मतलब एक्चुअल में काफ़ी लाइट वेट बैटरी है। और कंपनी के पास 24 एम्पियर से स्टार्ट होकर बैटरी 200 एम्पियर तक की रेंज में मिलती है, चाहे आप उसे 48 में चाहें, 60 में चाहें, चाहे 72 में चाहें। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी के और क्वालिटी के बारे में, तो ये दोस्तों लाइट वेट तो है ही, साथ ही में दोस्तों बैटरी काफ़ी रफ़ एंड टफ क्वालिटी से बनाई गई है। कंपनी का कहना यह है कि ये पापा सीरीज़ की बैटरी है, इसको किसी बच्चों से कंपैरिजन ना किया जाए, ये पापा सीरीज़ की बैटरी है, इसकी बात ही अलग है। तो इसमें क्या खास है, पहली बात तो ये इसका मेटल बॉडी काफ़ी मजबूत है, इसको अगर आप 2 मंजिल से पटकेंगे तो नहीं टूटेगी। इसके साथ ये सिलिकॉन वायर है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, खींचने से टूटता नहीं है, जलाने से जलता नहीं है, काटने से कटता नहीं है, ऐसा वायर कंपनी ने दिया हुआ है। और ये काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रहता है, जो कि कड़क होकर टूटता नहीं है, इस पर आप 70 किलो तक का वजन डाल सकते हैं वायर के ऊपर, इसकी ये स्ट्रेंच कैपेसिटी रहती है, और ये हाई कॉपर में सिल्वर कोटेड वायर रहता है। अब बात की जाए दोस्तों बैटरी के अंदर के मटेरियल के बारे में, तो कंपनी ने उसमें ऐसा BMS लगाया हुआ है, जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगा, आप बैटरी को फुल चार्ज करके शॉर्ट कर लीजिए, बैटरी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी अपने अंदर के सेल को और कट ऑफ कर देगी, ऐसा BMS कंपनी ने लगाया हुआ है, जो कि आपस में शॉर्ट करने से ख़राब तो नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप इसको छिपा के छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस कंपनी की बैटरी में पहले भी चेक कर चुका हूँ, और ये इनकी नई सीरीज़ है, जो कि और भी अपडेटेड है और भी दमदार है। अब बात करते हैं दोस्तों और क्या खास बात है इस बैटरी में, बैटरी लाइट वेट हो गई, बैटरी प्रोटेक्शन प्रूफ हो गई, इसका तार भी ये जलता नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक कॉपर तार जला के दिखाता हूँ, ये दोस्तों होम केबल है, जो कि फायर रेजिस्टेंस रहती है, फायर रिटार्ड FR लिखा आता है, होम केबल जो घर में इस्तेमाल होता है, AC वायर, इसको अगर हम जलाते हैं तो ये आग तो नहीं पकड़ता है, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंस है, लेकिन जब इसमें आग लगती है तो थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे तो हिलता हुआ दिखाई देगा, इसका जो इंसुलेटर रहता है वो गर्म हो जाता है और तार को छोड़ देता है, आग नहीं पकड़ता है, तार को छोड़ देता है, और तार को खींचने से रबड़ की तरह निकाला जा सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक कोटेड इंसुलेटर वायर है होम केबल, जो कि ज़्यादातर दूसरी कंपनियां देती हैं, इसको अगर आप गर्म करेंगे ना तो इसका ये जो इंसुलेटर है वो इलास्टिक की तरह निकलता है, खिंच के इलास्टिक की तरह, लेकिन आग नहीं पकड़ता, ये इसका खास बात रहती है इस तार की, जो घर में इस्तेमाल होता है, जो कि दूसरी कंपनियां देती हैं लगा के, जिसको मैं अभी जला रहा हूँ, ये देखिए धुआं भी छोड़ती है लेकिन आग नहीं पकड़ती है वायर। अब बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में, तो सिलिकॉन वायर ना आग पकड़ता है, ना धुआं छोड़ता है, ना तार छोड़ता है, ना इलास्टिक की तरह खिंच के निकलता है। इस तार को DC केबल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये मेन बैटरी में ही इस्तेमाल होता है, मेन बैटरी के उपयोग का ही है। इस तार की कीमत जो है वो नॉर्मल कॉपर के वायर से 5 गुना महंगा है, 5 गुना महंगा, इसीलिए ये ज़्यादातर दूसरी कंपनी लगा के नहीं देती है, क्योंकि ये महंगा पड़ता है और उन्हें माल सस्ते में बेचना है। अगर आप रेट का कंपेरिजन करेंगे ना तो फिर आप ये बैटरी नहीं खरीद पाएंगे, और अगर आप क्वालिटी का कंपेरिजन करेंगे तो इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं बचेगी। तो ये ऐसा बायर रहता है, इसमें मेन बायर ही रहता है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ आपको बायर के थ्रू ही चार्ज लेना है और चार्ज देना है। अगर ये बायर मोटा हैवी है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, तो ही आपको सपोर्ट करेगा। इस बायर के बारे में और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जान गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी के और मटेरियल के बारे में, तो बैटरी जो है दोस्तों वो प्रोटेक्शन है BMS के थ्रू, कोई भी बैटरी BMS के द्वारा प्रोटेक्ट रहती है। BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बैटरी को ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज, डीप डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करती है। और क्या होगा अगर हम बैटरी को हाई वोल्टेज AC करंट में अगर दे दें, तो ये 48 वोल्ट की है और यहाँ पर 220 करंट का, 220 का वोल्ट आता है AC में, और ये DC है, ये देखिए
घर की आपकी लाइट खराब हो जाएगी अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन बैटरी खराब नहीं होगी क्योंकि ये पापा सीरीज की बैटरी है, बच्चों से कंपैरिजन नहीं करना। तो ये देखिए दोस्तों, तार जल गया है, वो बोर्ड में काला निशान आपको नजर आएगा। बैटरी को अभी कुछ नहीं हुआ है, बैटरी जैसी थी पहले वैसी ही है। बैटरी काफ़ी लाइट वेट है, हिलाने से हिल जाती है आसानी से। और अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग चार्जिंग पे लगा देंगे, फुल चार्ज करके फिर इसका टेस्ट करेंगे कि बाइक में या जो स्कूटी में इसको उपयोग करने वाले हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले तो इसको हमने अभी एसी करंट में लगाया है, तो सबसे पहले तो इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, वोल्टेज तो आ रहे हैं और 48 वोल्ट आ रहा है। कंपनी ने मुझे बैटरी को डिस्चार्ज करके ही पहुँचाया था, क्योंकि कोरियर में कभी भी चार्ज बैटरी नहीं दी जाती है, ये कोरियर का नियम रहता है। तो डिस्चार्ज बैटरी मुझे वहीं से आई हुई थी। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे लगा देते हैं, फुल चार्जिंग होने के बाद हम इसको अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। चार्जिंग पे अगर आपको पोर्टेबल लगाना है तो बड़ा आसान है। पोर्टिंग पे लगाने के लिए आप बैटरी में चार्जिंग कनेक्टर को लगा दीजिए, चार्जिंग कनेक्टर इसी के साथ में और सप्लाई कनेक्टर दोनों फ्री आते हैं। ये बोर्ड में लगा दिया, ये मैंने इसमें लगा दिया और चालू किया बटन। लाइट लाइन जो है लाइट की वो हरी हो गई है और बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही बैटरी फुल हो जाती है तो चार्जर ऑटोमेटिक हरे लाइट से लाल लाइट पे शिफ्ट हो जाता है, और इसका जो पंखा रहता है वो भी बंद हो जाता है जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है। ऑटो कट हो जाता है बैटरी में पावर सप्लाई का, और अगर नहीं भी हो तो बैटरी में तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अभी बैटरी फुल हो गई है, बैटरी फुल होने में समय लगता है 2.5 से 3 घंटे का, और बड़ी बैटरी हो तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। बैटरी को फुल चार्ज करके आप शॉर्ट कर लीजिए, कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें हैवी क्वालिटी का BMS लगा हुआ है जो कि दूसरी कंपनियों के पास उपलब्ध भी नहीं होगा। और बैटरी तो फुल हो गई है, चलिए अब इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस देती है ये बैटरी स्कूटी में लगाने पर। और ये चार्जर 2 पावर का है जो कि मेड इन इंडिया का चार्जर है, इंडिया के अंदर बना हुआ मेटल बॉडी के साथ चार्जर है, 48 वोल्ट 6 एम्पियर का चार्जर है, बाहर की तरफ फ्यूज लगा है, मेटल बॉडी के साथ है, और 1 साल की हमें वारंटी मिलती है और पीछे की तरफ कूलिंग फैन मिलता है। ये चार्जर की खास बात हो गई जो कि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। इसमें हम फ्यूज जल जाए तो निकाल भी सकते हैं, बाहर की तरफ फ्यूज सॉकेट मिलता है, एक्स्ट्रा फ्यूज हमें पीछे की तरफ मिलता है। ये चार्जर की जानकारी हो गई। 2 कॉर्ड मिलती है, एक कनेक्शन के लिए और एक पावर सप्लाई के लिए, इतना सा ये चार्जर का काम रहता है। लंबाई चार्जर की काफ़ी अच्छी है, दोनों कॉर्ड को आप लंबा करेंगे तो आप बोर्ड से काफ़ी दूरी पे इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों बैटरी, एक बार कंपनी ने क्या लिखा है वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ट्रू पावर, नीचे की तरफ एक लाइन लिखी हुई है, ओरिजिनल लिथियम इनसाइड। तो कई हद तक मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल लिथियम इसके अंदर है, जो कि दूसरी कंपनी में हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, तो इस कंपनी में मुझे लग रहा है। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, 48 वोल्ट 60 वोल्ट 72 वोल्ट जितना भी आप लेना चाहे कंपनी को कॉल करके आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपको घर पे माल पहुंच जाएगा। ऑल ओवर इंडिया इसमें हमें वारंटी कवरेज भी मिलती है, कॉल करके बताएंगे कोई दिक्कत है, कुरियर वाला आएगा घर से माल ले जाएगा और घर पे माल वापस दे जाएगा। मुझे इसे अपनी इस स्कूटी में लगाना है, और इसकी डिग्गी को मैंने पहले खोल लिया है, ये आप देखेंगे तो ये मैंने इसको खोल के रख लिया है अलग। अब इस स्कूटी में मुझे ये बैटरी लगाना है, ये इसकी खाली जगह है, ये कनेक्टर मेरे पास पहले से लगा हुआ था तो ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी हमारी जो है वो सप्लाई में जुड़ गई है। बैटरी को शॉर्ट करके लाया मैं, बैटरी को एसी करंट से लगा के भी लाया, उसके बाद चार्ज किया, फिर बैटरी को मैंने गाड़ी में जोड़ा। इसके बाद बैटरी को चला के देखेंगे, बैटरी चल रही है, पूरा परफॉर्मेंस आ रहा है, साउंड आप सुन सकते हैं मोटर का साउंड कितना तेज आ रहा है। अभी मुझे सुनने में आया था कि लिथियम बैटरी फट रही हैं, और मैंने पेपर वगैरह में भी पढ़ा तो काफ़ी कस्टमर लोग जो रहते हैं वो कम रेट के चक्कर में किसी भी कंपनी की बैटरी ले लेते हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि उस कंपनी के परफॉर्मेंस टेस्ट कितने हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, बस रेट के चक्कर में बोलते हैं कि यहाँ 24 एम्पीयर इतने की मिल रही है और वहाँ 24 एम्पीयर इतने की मिल रही है, और कम रेट के चक्कर में जहाँ से उनको मिलता है वो ले लेते हैं, और ये देखते नहीं है कि वो कितनी ख़राब क्वालिटी की है, फट रही है, आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है, कि आपकी जान की दिक्कत बन रही है उन्हें, उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, कम रेट में ले लेते हैं। मैं यहाँ पर जो भी लेता हूँ और
दूसरों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा चेक करके ही मैं बताता हूँ। और ये बैटरी जो है दोस्तों, कंपनी ने बोला है 101% वाटर प्रूफ है। ऊपर से पानी सभी डालते हैं, आप इसे पानी के अंदर डाल के देखिए। और वैसा ही मैं करने वाला हूँ, बैटरी को मैं कनेक्ट करता ही रहूँगा, अपने जो कनेक्शन में कनेक्ट करे ही रहूँगा और इसको चला के भी देखूँगा। अभी बैटरी को मैंने प्रेशर वॉशर से पानी डाला, मतलब कहीं छोटी मोटी जगह हो तो झटके से पानी रफ्तार में अंदर चला जाए। और कनेक्शन आप जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है और गाड़ी की चाबी चालू है, बाकी आइटम वर्क कर रहा है। अब इसमें हम पानी भर के चेक करेंगे कि बैटरी के अंदर पानी जाता है, बैटरी ख़राब होती है, बंद होती है या नहीं होती है। काफ़ी लोग रेट के चक्कर में ख़राब बैटरी लेते हैं और दूसरों से बोलते हैं कि भैया यहाँ इतनी की मिल रही है, और फिर वो ख़राब हो गई, ऐसा वैसा वो बात करना गलत ही है। तो मैं ये बोलता हूँ, बैटरी का कंपेरिजन अगर आप करते हैं क्वालिटी का, तो रेट का कंपेरिजन करें। अगर क्वालिटी का कोई कंपेरिजन ही नहीं है तो रेट का आप कभी कंपेरिजन ना करें। अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट ही लें, रेट के बारे में फिर बात ही ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने टप में पूरा पानी भर दिया है, बैटरी देख सकते हैं दोस्तों पानी में डूब चुकी है और ऑटोमेटिक ही ऊपर आ गई, क्योंकि बैटरी के अंदर एयर होगी, एयर होगी तो वो ऊपर आएगी। ऊपर आएगी तो दोस्तों मतलब इसका यह है कि बैटरी में कहीं से कोई जगह ही नहीं है पानी जाने की, जिस वजह से ये बैटरी अंदर डूबे। बैटरी पूरी वाटर प्रूफ है। इसके बाद अगर आप प्रेशर वॉशर से भी इसको मारेंगे पानी में डाल के, तो भी बैटरी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर प्रूफ है वो तो रहेगी। तो ये कहलाती दोस्तों क्वालिटी, जो कि दूसरी कंपनियां नहीं देती और ना ही इस तरह से चेक करती हैं। कंपनी का तो कहना सीधा है, 2 साल के अंदर ख़राब कर दीजिए और 4 गुना पैसा वापस ले लीजिए। लेकिन मैंने करके देखा, ख़राब नहीं हुई। क्वालिटी तो ऐसी है दोस्तों, सर्विस अगर देगी बैटरी तो फिर 10-20 साल आराम से देगी। सर्विस तो अच्छी मिलेगी ही हमें, क्योंकि क्वालिटी का माल अंदर से लेके बाहर तक हर जगह पर कंपनी ने इस्तेमाल किया है। पानी में डालकर भी आप बैटरी को चला सकते हैं, अगर आपकी बैटरी अच्छी क्वालिटी की है तो। और मोटर आप देख सकते हैं फुल स्पीड पे घूम रही है, पानी के अंदर है उस कंडीशन में भी, क्योंकि ये बैटरी जो है दोस्तों वो ट्रू पावर कंपनी की पापा सीरीज़ की बैटरी है। बच्चों से कंपेरिजन नहीं करना। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बैटरी को वापस लगा दिया है सारे टेस्ट करने के बाद, बैटरी काफ़ी अच्छी है। और बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, तो बैटरी जो है वो 24 एम्पीयर की जितना आउटपुट देती है उतना ही देगी। आपकी गाड़ी कम नहीं चलेगी, उतना ही चलेगी जितना आपकी गाड़ी चलती थी। अगर आप उसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो 24 की जगह 30 एम्पीयर लगाइए, 25-26 एम्पीयर लगाइए। एम्पीयर बढ़ाएंगे तो आपकी बैटरी के किलोमीटर बढ़ेंगे, और अगर आप उतना ही एम्पीयर लेना चाहते हैं जो आपको कंपनी से लगा आया था, उतना ही रेंज आपको ज़रूरी है, तो आप उतनी ही रेंज का ले सकते हैं। ये बैटरी 48 वोल्ट 24 एम्पीयर की लिथियम आयन बैटरी है, जो कि ट्रू पावर कंपनी की पापा सीरीज़ की बैटरी है। इसका वोल्टेज डाउन नहीं होता है, चाहे इसे शॉर्ट कर लें, चाहे एसी में दे दें, चाहे डीसी में दे दें। और देख सकते हैं दोस्तों मोटर फुल पावर से घूम रही है, क्योंकि ये जो बैटरी है वो फुल पावर से सप्लाई दे रही है। BMS इतनी हाई क्वालिटी का लगा हुआ है, जिसको ख़राब करना शायद ही इस जन्म की बात हो। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही में इस बैटरी को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी का मोबाइल नंबर दिया है, आप ऑर्डर करके सीधा कंपनी से माल ले सकते हैं ओरिजिनल, और गारंटी वारंटी कंपनी की तरफ से कवर रहेगी। कॉल करने पर ही आपके घर से बैटरी उठ जाएगी और दूसरी बैटरी आपको मिल जाएगी। कंपनी का कहना है ओरिजिनल लिथियम इनसाइड, जो कि एक्चुअल में है। मुझे परफॉर्मेंस वाइज बैटरी काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी मजबूत बैटरी है, काफ़ी रफ एंड टफ बैटरी है, ख़राब होने के तो चांसेस नहीं लगते मुझे। और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, आप इसे ख़रीदना चाहें तो कंपनी को सीधा कॉल करके वहीं से माल ले सकते हैं, ओरिजिनल आपको माल मिलेगा। अगर आप डीलरशिप लेना चाहें, डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहें इस कंपनी की, तो उसके लिए भी आप कंपनी को कॉल करिए और बताइए आप कहाँ के लिए डीलरशिप लेना चाहते हैं। और भी जो बात रहेगी वो आपकी और कंपनी के बीच की रहेगी, मुझे तो जितना इन्फॉर्मेशन है मैं उसे उतना बता रहा हूँ। चेक मैंने सारा कर लिया, बैटरी बढ़िया है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।